एनिमेशन, जिसके द्वारा किसी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट में हम एक लाइफ दे सकते हैं। सो आज इस वीडियो में हम एनिमेशन के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से एनिमेट किया जाता है। सो लेट्स सी। सो बेसिकली एनिमेशन के अंदर इन तीन चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मूवमेंट्स, देन की फ्रेम्स एंड लास्ट अपना स्पीड। सो हम सब जानते हैं कि कोई भी वीडियो सिर्फ इमेजेस का सीक्वेंस ही होता है एंड इन्हीं इमेज सीक्वेंस को हम एनिमेशन में फ्रेम्स कहते हैं। सो अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, रोटेशन एंड उसकी ज्योमेट्री को अलग अलग फ्रेम्स पे चेंज करने पर जो आउटपुट मिलता है उसे ही हम एनिमेशन कहते हैं। सो इसको समझाने के लिए मैं ब्लेंडर के अंदर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा है, हमें पता है कि एनिमेशन जितना भी जो काम होता है वो इसी टाइमलाइन के अंदर होता है एंड यहाँ पे अपन जो नंबर्स देख रहे हैं ये बेसिकली अपने फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अपने ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड राइट कॉर्नर में आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल्स की वैल्यू शो कर रही है। अब मान लेते हैं फ्रेम 1 पर अपना ऑब्जेक्ट की लोकेशन ये है एंड फ्रेम 15 पर मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर थोड़ा मूव कर देता हूँ। तो अब अगर मैं अपने एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे एनिमेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इन फ्रेम्स पर अपनी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को लॉक करने के लिए अपन यहाँ पे कोई भी की फ्रेम नहीं लगाए हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को स्पेसिफिक फ्रेम पर लॉक करने के लिए हमें की फ्रेम्स लगाने होते हैं। तो दोबारा से अपन यहाँ पे फ्रेम 1 पर आ जाएंगे एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके कीबोर्ड पर आई प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे लोकेशन, रोटेशन एंड काफी सारी ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट की लोकेशन को एनिमेट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर लोकेशन पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं अपने यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया है एंड फ्रेम 15 पर मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो दोबारा से यहाँ पे आई क्लिक करके मैं यहाँ पे लोकेशन पर क्लिक कर दूंगा। तो अब अगर अपने एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। सो इसी प्रकार आप ऑब्जेक्ट की रोटेशन, स्केल या लोकेशन रोटेशन या इन तीनों पर आप की फ्रेम्स लगाकर आपके ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हो। इसके बाद अपने थर्ड पॉइंट स्पीड फैक्टर को क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में आउटपुट प्रॉपर्टी में आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम रेट का ऑप्शंस आ रहा है। यहाँ पे काफी सारी ऑप्शंस हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द केसेस अपन यहाँ पे 24, 30 या 60 फ्रेम ही यूज करते हैं। इसका मतलब आपके एनिमेशन के एक सेकेंड के अंदर कितने इमेज सिक्वेंस होने वाले हैं ये आपकी एनिमेशन की फ्रेम रेट पर डिपेंड करता है। अगर अपन 24 FPS चूज कर रहे हैं तो अपने एक सेकेंड के एनिमेशन के अंदर यहाँ पे 24 इमेजेस होंगी। इसी प्रकार 30 FPS के अंदर 30 इमेजेस होंगी। इसके बाद 60 या इससे ऊपर के जितने भी जो FPS होते हैं ये बेसिकली एक स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। आप यहाँ पे FPS एंड एनिमेशन में डिफरेंस देख सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल हमें 10 सेकेंड का एक 30 FPS पर एनिमेशन क्रिएट करना है तो अपने एनिमेशन के अंदर 300 फ्रेम्स क्रिएट करने होंगे। इसके बाद टाइमलाइन पे अगर मैं यहाँ पे टी प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो बेसिकली अपने एनिमेशन के स्टाइल को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉन्स्टेंट बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट के की फ्रेम्स पर डायरेक्ट जंप के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि आप इस घड़ी की सेकंड वाली स्वीप की मूवमेंट को देख सकते हैं। इसके बाद लीनियर बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट के एक कॉन्स्टेंट स्पीड का एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। देन अपना बेजियर के द्वारा अपने एक इज इन एंड इज आउट स्टाइल का एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। सो ओवरऑल आप यहाँ पे इन तीनों एनिमेशन स्टाइल के अंदर डिफरेंस देख सकते हो। इसके बाद जो अदर ऑप्शंस है वो अपने इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर में अपन यहाँ पे क्लिक करके या टाइमलाइन पर कंट्रोल टैब क्लिक करते हैं तो अपन यहाँ पे ग्राफ एडिटर में आ जाते हैं एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपन यहाँ पे एनिमेशन का ग्राफ शो कर रहा है एंड यहाँ पे की फ्रेम्स पर आप यहाँ पे हैंडल्स देख सकते हो जिनको मूव करके आप अपने एनिमेशन के ग्राफ को कंट्रोल कर सकते हो एंड आपके ऑब्जेक्ट में एक अच्छा सा मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अलग अलग मॉडल्स लाइक ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, कार्स या अदर चीज़ों में एनिमेशन किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। जैसा कि हमने देखा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, रोटेशन या स्केल को एनिमेट करना हो तो सिंपली उन पर अपन की फ्रेम लगाकर उसे अपन एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन
अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट लाइक ह्यूमन, एनिमल्स या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी ज्योमेट्री को चेंज करके अपन को एनिमेशन क्रिएट करना हो, तो उसके लिए अपन यहाँ पे आर्मेचर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में अपन आर्मेचर्स के ही बारे में बात करते हैं। आर्मेचर बेसिकली रियल लाइफ में अपनी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है उन्हीं की तरह वर्क करते हैं। इनको ऐड करने के लिए सिंपली अपन शिफ्ट ए के साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास यहाँ पे आर्मेचर्स का ऑप्शंस आ रहे हैं, जिनके अंदर अपने को यहाँ पे ह्यूमन, एनिमल्स एंड अदर कैरेक्टर्स के आर्मेचर्स पहले से ही इनबिल्ड मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शंस शो नहीं कर रहे हैं तो इनको इनेबल करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे एडिट में प्रेफरेंसेस में जाकर यहाँ पे एड ऑन पे रिगिफाई सर्च करके आप इसको इनेबल कर लें। देन इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बेसिक ह्यूमन की एक बॉडी को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। देन शिफ्ट ए के साथ मैं यहाँ पे सिंपल ह्यूमन की बोन को एड कर लेता हूँ। देन एडिट मोड में जाकर इनको सेलेक्ट करके अपनी बॉडी के शेप के हिसाब से या उसके जॉइंट के हिसाब से इसको मैच करा देता हूँ। देन अब इसको एनिमेट करने के लिए सिंपली मैं अपनी बॉडी को सिलेक्ट कर लूंगा। देन आर्मेचर को सिलेक्ट करके कंट्रोल पी पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी ऑप्शंस हैं, जिनमें बेसिकली अपन यहाँ पे ऑटोमेटिक वेट पे क्लिक कर देंगे। अब आपकी बॉडी आपकी आर्मेचर के साथ पेरेंट हो गई है। देन इसको एनिमेट करने के लिए सिंपली अपन यहाँ पे आर्मेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे क्लिक करके या सिंपली कंट्रोल टैब पर क्लिक करके अपन यहाँ पे पॉज मोड में आ जाएंगे। देन आप किसी भी आर्मेचर को सेलेक्ट करके इसकी लोकेशन, रोटेशन या स्केल वैल्यू को चेंज करके आप अलग अलग फ्रेम पर की फ्रेम ऐड कर सकते हो एंड एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर आपका एक सिंपल ऑब्जेक्ट है तो उसकी बेसिकली आप उसकी लोकेशन, रोटेशन या स्केल वैल्यू पर की फ्रेम लगाकर उसे एनिमेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट के आपको ज्योमेट्री को एनिमेट करना है तो उसके लिए अपन या तो आर्मेचर का यूज करते हैं या इनके अलावा आप शेप कीज का यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का यूज कर सकते हैं या ज्योमेट्री नोड को यूज करके भी आप आपके ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को एनिमेट कर सकते हैं। सो अब अगर हमें किसी भी प्रकार का एनिमेशन क्रिएट करना हो या किसी भी चीज को एनिमेट करना हो तो उसके लिए हम हमेशा की फ्रेम्स का ही यूज करते हैं। सो फाइनली इस वीडियो में मैंने एनिमेशन के बेसिक्स के बारे में बात किया है, क्योंकि इसके बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियो है वो थोड़ा एडवांस होगा। उस वीडियो में मैं अपने इस मोबाइल एनिमेशन का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाला हूं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपके एनिमेशन के बेसिक्स यहां पर क्लियर हो जाएं। सो दैट्स ऑल, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। एंजॉय योर क्रिएटिविटी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।